इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम, सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार इंदौर, सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव, सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली। किरीटिकोटी संलग्न रत्न किरीनाक्ष विदुषिरागि प्रशवीति तापमले मुक्तिमपि प्रगच्छति भक्त्या जले जिनपते बहुधा विशिंचि ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं छीं छीं रं रं नीं जं रवे ओं नमोर्ति भुक्ति श्रीमती जलाभिषेकं करोमि स्वाहा भक्त्या ललाट तट देशि निवेशितोश्चे हस्यश्यता श्रीवराशिरीमत्तिनाते तत्कालपीलितमहेक्षुरसस्यधारा सद्दा पुना तुजिनिबिम्बिगते भीष्मान् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं वं वं जं जं छीं छीं रं रं नीं रं रवे ॐ नमोर्ति भुक्ति स्मृति सर्कराभिषेकं करोमि स्वाहा क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं वं वं जं जं छीं छीं रं रं नीं रं रवे ओम नमोर्ति भगवते श्रीमती घृताभिषेकं करोमि शंपूर्णि शारदि शांकमरीचिजालं सन्देरि शामि शामि शोप्रभामि क्षीरे जिनाशुरञ्च मान्या संपति वांछदेवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं छीं छीं दं दं नीं दं रवे ओम नमोर्ति भगवते श्रीमती दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा जेवली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जेवली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की कचनीर वाले बाबा की आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज की जय बालोगी आचार्य शेख सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आईनीयाणम नमो बझायाणम नमो लोई सब साहुडम ओम नमाशिदेभ्या ओम नमाशिदेभ्या ओम नमाशिदेभ्या श्री वीतनागाय नमः ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय द्वादशकुलदेशकुलपवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसारे चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिशंकराय सत्य ज्ञान स्मरि श्री हरि कृष्ण करवे अष्ट द्रव्य को लेकर अर्घ चढ़ाने आए हैं आशीष आपका मिलता गुरुवर जब चरणों आज वर्तमान में लोग उसे बुरा समझते हैं जो आपके सामने आपको बुरा बोलता है, लेकिन मेरा मानना यह है वह व्यक्ति तो बुरा है ही, क्योंकि वो जग जाहिर आपकी बुराई करता है, लेकिन सबसे बुरा इंसान वह है जो आपके साथ में रहता है, आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है और पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। इस संपूर्ण विश्व में उससे बुरा इंसान कोई भी नहीं है जो आपके साथ में रहता है और आपकी बुराई पीठ पीछे करता है। जो व्यक्ति बुरा है वह तो बुरा है ही, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, वह तो बुरा है और अपना बुराई का काम कर ही रहा है, लेकिन जो
आपके साथ में रहकर बुराई करता है उसके जीवन में कभी भला हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है, देश करता है, दूसरे की बढ़ती को देखकर परेशान होता है, वह व्यक्ति कभी जीवन में सफल हो ही नहीं सकता। बुराई क्यों बढ़ रही है पता आपको? ईर्ष्या क्यों बढ़ रही है पता आपको? जेलसी जलन क्यों बढ़ रही है पता आपको? बुराई इसलिए पनपती जा रही है कि हम लोगों की बुराई सुनते हैं। यदि आप सभी संकल्प कर लें कि हम किसी की बुराई सुनेंगे नहीं, तो बुराई बोलने वाला कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि हम बुराई को सुनते हैं इसलिए लोग बुरा सुनाते हैं। आपको जीवन में सफल होना है तो आप किसी की बुराई मत सुनिए, क्योंकि आज आप उसकी बुराई सुन रहे हो, निश्चित रूप से मानना कि अगला नंबर आपका है, आपकी बुराई वह दूसरे से करने वाला है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सामने चलने वाले सांपों से खतरा नहीं है, बल्कि जो आपके आस्तीन में सांप है उससे खतरा आपको ज़्यादा है। सामने वाला सांप तो आपको दिखता है, आप बच सकते हो, लेकिन जो आपके आस्तीन में सांप है उससे कैसे बचोगे? आज संसार में हो रहा है, लोग कदम कदम पर तरह तरह की बातें करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आप सब यहाँ बैठे हो, प्रवचन चल रहा है, बड़े जोर जोर से ताली बजा रहे हो, बड़ा आनंद ले रहे हो, और नीचे किसी ने कहा कि बहुत देर लगा ली। अरे क्या बताऊँ यार, मैं उठ रहा था महाराज जी बैठा देते थे, मैं उठ रहा था महाराज जी बैठा देते, यही तो पाप हो गया। आजकल ऐसे ही चलता है, बोले मैं मंदिर से निकलना चाह रहा था लेकिन मुझे ज़बरदस्ती बैठा दिया। अरे बैठा दिया तो पुण्य बढ़ गया ना, लेकिन आप क्या करते, पुण्य कमाने के बाद में अपनी क्रिया को पाप रूप में अंगीकार कर लेते हो। कैसे? कि मुझे जबरदस्ती बैठा दिया गया। ध्यान रखना, ना कोई व्यक्ति किसी को जबरदस्ती भोजन करा सकता है, ना कोई व्यक्ति किसी को जबरदस्ती पूजन करा सकता है। जिस तरह से पूजन करोगे तो आपकी आत्मा को आनंद मिलता है, और भोजन करोगे तो आपके शरीर को आनंद मिलेगा, लेकिन शरीर का आनंद थोड़ी देर का है, लेकिन पूजन का आनंद जिंदगी भर का है, क्योंकि जिसको आत्मा का आनंद आ जाता है उसको जीवन में कोई तकलीफ नहीं होती। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हमें सिखाते थे, कोई कुछ भी करे सुने हमको क्या लेना देना, कोई कुछ भी कहे सुने हमको क्या लेना देना, जो आत्म में रम गया उसको दुनिया से क्या लेना, जो आत्म में रम गया उसको दुनिया से। और यदि आपको दुनिया से लेना है तो आप समझ के चलना कि अभी आपको आत्मा में रमण का स्वाद नहीं आया। जिस व्यक्ति को आत्मरमण का स्वाद आ जाएगा, वह जीवन में कहीं पर भी चला जाए उसको तकलीफ नहीं आएगी। और जब तक आत्मरमण का स्वाद नहीं आएगा तो कहीं पर भी चले जाओ आपको आत्मानंद आता ही नहीं है। उसका कारण है, उसके भाव हैं। आप जैसे भावों से जिसको देखते हो वैसा ही आपको उसका फल मिलता है। आप हमारे पास में आते हो, संतों के पास में आते हो, आप प्रातःकाल 6 बजे से निकले हुए हो सकता है कि 12-1 बज जाए, आपके मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं गई, लेकिन आपको भूख प्यास नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आप संतों के पास उनको आहार देने के लिए खड़े हो। लेकिन इसके विपरीत घर में होते तो चाय नाश्ते, 2-3 बिस्किट, 1-2 पोहे, जलेबी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें 4-5 बार 12 बजे तक हो जाती। क्यों? क्योंकि भावों से हैं। मंदिर में आप भगवान जी का अभिषेक करते हो, दूध का अभिषेक होता है, तो आपको इच्छा होती है कि दूध पीने मिल जाए मुझे, होती है क्या? और होती है तो कहीं ना कहीं आपके संयम में कमी है। आप जब महाराज जी को आहार देते हो, लड्डू देते हो, पेड़े देते हो, गुलाब जामुन देते हो, मलाई कोफ्ते देते हो, पता नहीं क्या क्या देते हो, तो आपके मन में भावना आती कि इनका जल्दी आहार हो, मैं जल्दी खाऊं, नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपके सामने वह व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने इन सब सारी चीज़ों को त्याग कर दिया है। तो त्यागी के पास जाते हो तो त्याग की भावना बनती है, और रागी के पास जाते हो तो राग की भावना बनती है। मंदिर में बहुत सारे फल चढ़े हैं लेकिन खाने के भाव नहीं आएंगे, लेकिन होटल में तरह तरह के भोजन हैं और उसको देखकर खाने के भाव अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के चरण सानिध्य की महिमा अलग है और बाहर की महिमा अलग है। आपने एक चीज़ देखी, जब किसी परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चा क्या करता है, जमता बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, और पूरे घर वाले पूरे मोहल्ले वाले कैसे होते हैं, रोते हैं कि खुश होते हैं, खुश होते हैं। और उसी बच्चे का जब कालांतर में मरण हो जाता है तो बच्चा कुछ बोलता नहीं, साइलेंट हो जाता है, पूरे मोहल्ले वाले
हंसते हैं कि रोते हैं? रोते हैं। ये पता क्यों? मैं बताता हूं उसका कारण। पूरे संसार में होता है कि कोई बच्चा जन्म लेकर जब सामने आता है, वह रोता है कि हे भगवान, मुझे वापिस आपने संसार में फंसा दिया। और संसार के लोग हंसते हैं कि हमारे साथ गलत काम में खटकर्म करने के लिए एक व्यक्ति शामिल होने के लिए और आ गया। तो बच्चा रोता है और सारे लोग हंसते हैं, ताली बजाते हैं। और उसके बाद जब उस बच्चे का मरण हो जाता है कालांतर में, तो वह बिल्कुल खुश होता है, कुछ बोलता ही नहीं। और सारे संसार के लोग, हे भगवान ये क्यों चला गया, कम से कम मेरे साथ में महफिल में बैठकर गपशप तो करता था, चाय पानी करता था, कि हमारे बीच में से एक आदमी चला गया। कौन सा? जो हमारे हर क्रिया में भागीदारी होता था जिंदगी में। अपने आप के अंदर से अपनी आत्मशक्ति को पहचानने का प्रयास करें। जो व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति को पहचान लेता है, उसको दुनिया में कोई भी तकलीफ नहीं होती। और जो व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति को नहीं पहचानता है, वह भटक जाता है। भाषा कुछ भी हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, कई भी भाषा हो, लेकिन भाषा का अर्थ क्या है? प्रभु की भक्ति। रोटी को कोई चपाती बोलता है, कोई रोटी को कुछ और बोलता है, लेकिन उद्देश्य क्या है? पेट भरने का। एक बार हम लोग कर्नाटक गए, काल्पनिक सी बातें होती हैं समझाने के लिए। संघ में एक ब्रह्मचारी जी थे। मैंने किसी श्रावक से कहा, एक काल्पनिक बात है समझाने के लिए आपको, मैंने किसी श्रावक से कहा कि नाई को बुलाइए। क्या कहा? नाई को बुलाइए। समाज का आदमी बोला, महाराज जी नाई नहीं आएगा। अरे मैंने कहा नाई को बुलाइए। बोला नाई नहीं आएगा। मैंने कहा नाई को बुलाइए। बोले नाई मंदिर में नहीं आ सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाहर तक बुला दो। बोले महाराज जी आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, नाई को बार बार क्यों बुलाना चाह रहे हो? मैंने कहा बुलाओ। इतनी बात को, मेरी और उस बात को एक आदमी ने समझा जो हिंदी भाषी था। बोले महाराज जी बोल रहे हैं नाई को बुलाइए, मैं नाई को बुलाना इसलिए चाह रहा था, कोई ब्रह्मचारी था, उसके बाल को काटना है। बाल काटने वाले को क्या बोलते हैं? नाई। और ये लोग समझ रहे थे नाई मतलब होता है कुत्ता। तो बोले महाराज जी बोले नाई को बुलाइए, नाई को बुलाइए, नाई को बुलाइए। बोले कुत्ते को क्यों बुला रहे हैं महाराज जी? नाई मतलब कर्नाटक में क्या होता है? कुत्ता। कुत्ता होता है ना, तो नाई को बोलते कुत्ता। तो बोले महाराज कुत्ते को बुलाने की बात क्यों कर रहे हो? मैं क्या बोला था? नाई को बुलाइए मतलब सैलून वाले को बुलाइए। तो ऐसी बात हो जाती है। उद्देश्य समझिए, भाव समझिए, व्यवस्थाओं को समझिए और अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास कीजिए। आत्मा का आनंद लेना है, आत्मा का रंजन करना है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, तो आपको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि हम किसी की बुराई ना सुने। करो, जितनी करना करो, लेकिन सुनो मत। ये भी नियम ले सकते हो तो आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आप बोलोगे तो आपका कान तो सुन रहा है। आप बोलोगे तो आपका कान सुन रहा है। आपने बोलने का नियम नहीं लिया, लेकिन सुनने का ले लिया, तो आपका कान भी सुन रहा है, तो आप बोलना अपने आप बंद कर दोगे। अरे भाई, किसी को अच्छा नहीं बोल सकते हो, तो किसी को बुरा बोलने का अधिकार भी आपका नहीं है। आप अपना देखिए ना। अब यहां बरसात हो रही है, छाता लगाते हो, किसके ऊपर लगाते हो? अपने ऊपर। सबके ऊपर छाता क्यों नहीं लगाते जो चल रहे रस्ते में? क्योंकि आपको अपने आप को बचा। अरे वो जो करेगा उसका कर्म उसके साथ है, तो उसके बारे में गलत सोचकर, गलत बोलकर क्यों ईर्ष्या कर रहा है? उसके बारे में गलत बातें करके क्यों व्यर्थ कर रहा है? और आज के समय में इंसान के साथ में हो क्या रहा है कि मेरी थाली में क्या है, मेरे पैकेट में कितने पैसे हैं, मेरे पास कितने कपड़े हैं, मेरे पास कितने गद्दे तकिए चादर कितनी गाड़ियां हैं, इसकी चिंता नहीं है। बल्कि पड़ोस के वाले के पास में इतना कुछ क्यों है, इसकी चिंता में आदमी पतला हुआ जा रहा है, इस चिंता में परेशान हुआ जा रहा है। अरे कभी आपकी थाली में लड्डू नहीं आया और आपकी थाली में बर्फी आ गई, तो आप बर्फी खाने का आनंद लें। ये मत सोचे कि बाजू वाले लड्डू है, मुझे लड्डू क्यों नहीं आया, बाजू वाले लड्डू है, मुझे लड्डू क्यों नहीं आया। और खाना खाने के बाद प्रेम से पूछोगे तो मालूम चलेगा कि तुम्हारी दांत नकली है, लड्डू तुमसे टुकड़ा टुकड़ा टूट नहीं सकता था, इसलिए तुम्हारे लिए बर्फी थी और उसके लिए लड्डू था, तो अफसोस होगा यार मैं बर्फी का आनंद नहीं ले पाया। ये सोचिए कि मेरे पास लड्डू नहीं आया तो हो सकता है मेरे दांत से चबने वाला नहीं होगा, लेकिन बर्फी का आनंद नहीं है, लड्डू की चिंता है। मैंने आपसे क्या कहा, इंसान को सतर्क रहना चाहिए उन व्यक्तियों से जो आपके साथ में रहकर आपके बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं। जो आपके लिए बुरा बोलता है वो तो जग जाहिर है, उससे आप सतर्क हो, लेकिन आपके साथ में रहकर आपके उठने बैठने वाला आदमी आपके बारे में बुरा सोचता है, वह तो बुरा कर्म कर ही रहा है। पहले के जमाने में गांधी जी का उपदेश होता था, कितने बंदर थे? तीन। क्या क्या था?
बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और तीसरा बुरा मत बोलो। लेकिन मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी ने उस समय तीन बंदर बनाए क्योंकि उस समय तीन की जरूरत थी, लेकिन मैं सौभाग्य सागर आज आपसे कहता हूं इन तीनों बंदर की आवश्यकता नहीं है। इस समय चौथा बंदर जो आदमी हो चुका है, सबसे बड़ा बंदर की आवश्यकता है कि बुरा मत सोचो। सभी लोग ये नियम कर लें कि बुरा नहीं सोचेंगे तो ना बुरा देखेगा, ना बुरा बोलेगा, ना बुरा सुनेगा। आज आवश्यकता है बुरा सोचने वालों का त्याग कराने की। तो जीवन में अपना कल्याण करना है तो बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो का सूत्र अपनाएं, जीवन का कल्याण करें, यही जीवन का सार। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन CA, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।